with another video. Hope you all are doing great. And in today's video, I am going to create a college makeup look, which is going to be super easy, super elegant, and very, very, very natural. आप चाहे तो ये makeup look आप कहीं पे भी wear करके जा सकते हैं. It's up to you कि आप क्या prefer करते हैं. आप बहुत ही bright या बहुत ही natural makeup prefer करते हैं. अगर मैं college में अभी होती, मैं last year graduate हुई हूँ, तो अगर मैं college में होती तो मैं ये मेकअप लुक प्रेफर करती, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नेचुरल है और आपको बहुत ही प्रेजेंटेबल दिखाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रेजेंटेबल लगना चाहिए जब आप कॉलेज जाओ, ऑफिस जाओ या इंटरव्यूज के लिए जाओ. सो आप ये मेकअप लुक प्रेफर कर सकते हैं. तो जब मैं कॉलेज जाती थी, आई जस्ट यूज टू अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड लिपस्टिक. बस मैं इतना करके जाती थी क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था. बट अब मुझे जब नॉलेज हो गया है, तो अगर मैं आज कॉलेज में होती तो मैं कुछ ऐसा लुक करती जो आज मैं करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रेप योर स्किन, एंड प्रेपिंग योर स्किन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इज फॉर एवरीबॉडी. अगर आप कॉलेज जाते हैं तो भी, नहीं जाते हैं तो भी, अगर आप मेकअप प्रेफर करते हैं तो भी, और नहीं प्रेफर करते हैं तो भी, आपको अपनी स्किन प्रेप करना बहुत जरूरी है. तो मैं अभी अपने स्किन प्रेप करने वाली हूँ. एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई टोनर. आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड माई फेस. आफ्टर वॉशिंग योर फेस यू शुड अप्लाई टोनर. एंड टुडे आई एम गोइंग टू यूज दिस VLCC टोनर. This is the VLCC rose water toner, which suits all skin types, and I'm going to apply this toner. I'm going to take this toner on my hand like this, warm it between my hands, and now I'll just pat this in my skin. So after applying toner, I'm going to apply moisturizer. If you're someone who uses serum, go for it. I'm going to apply moisturizer, and for the moisturizer I'm going to use this Johnson Baby cream, and I'm using this cream from a very long time. और ये आपकी स्किन को बहुत ही हाइड्रेट करती है. एंड अभी मैंने निविया का वाला से स्विच कर लिया है. आई एम गोइंग टू यूज दिस क्रीम एंड आई लव दिस क्रीम. बहुत से लोगों को ये क्रीम सूट नहीं होती है, बट आई लव दिस क्रीम. और ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करती है. और अगर आपको थोड़ा सा लाइट में फ्लक्चुएशन दिख रहा हो, तो इट्स बिकॉज ऑफ रिंग लाइट, क्योंकि ये एकदम स्विच होती है. सो जस्ट हैव अ लुक आफ्टर अप्लाइंग दिस मॉइस्चराइजर. माई स्किन लुक्स सो हेल्दी. Now for the lips, I'm going to use this Himalayas lip balm, which has wheat germ oil and carrot seed oil. And I apply this lip balm before I apply lipstick. So I'm applying this lip balm. Now let's start with the makeup. So first I will be applying concealer, and for that I'm going to take my Swiss Beauty concealer. This is the concealer which I'm going to use. This is the Swiss Beauty liquid concealer. I'm in the shade medium beige 04. This concealer is very affordable. It retails for 199 rupees. Or agar aapko daily use ke basis pe chahiye to go for this concealer. So iske price ka according, this is a great product, aur ye bahut hi acha coverage deta hai. So go for this concealer if you are looking for some affordable concealer for daily use. You can use this concealer. So for the price, this concealer does a great job, kyunki 199 mein jis tarah se quality de raha hai, it's the best concealer according to the price. Aur agar humko daily use karna hai to mehenge concealer use karke koi fayda nahi hai. Jab 199 mein aapko achhi cheez mil rahi hai, to now I will be applying this concealer under my eyes. I'm not using foundation kyunki mujhe lagta hai ki foundation too much ho jayega for college. अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है, यू कैन यूज बीबी क्रीम और अ लाइट कवरेज फाउंडेशन. आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट लाइक दिस. सो जस्ट लुक एट द फॉर्मूला ऑफ दिस कंसीलर. ये कितने अच्छे से मेरे डार्क सर्कल्स को कंसील कर चुका है. सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट. आई हैव सेड दिस इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि ये बहुत ही अच्छा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस. और अगर आप एक अफोर्डेबल कंसीलर देख रहे हैं, दिस प्रोडक्ट इज द बेस्ट. सो आई हैव कंसील्ड माई डार्क सर्कल्स. नाउ टू सेट दिस कंसीलर, आई एम गोइंग टू अप्लाई लूज पाउडर. इफ यू आर समवन हु हैज ऑयली स्किन, यू कैन अप्लाई द लूज पाउडर ऑल ओवर योर फेस. बट आई एम ओनली गोइंग टू यू नो जस्ट सेट माई अंडर आई with the help of this loose powder, and I'm using this Maybelline Fit Me in the shade light 15. So this powder is so good कि अगर आपको you know normal daily basis पे भी आपको कुछ नहीं apply करना है, you have just applied moisturizer, आप उसके ऊपर ये powder हल्का सा pat कर लो, it will give you a little bit of coverage. और इसमें हल्का सा tint है, क्योंकि now I'm just going to dust it off. So
after setting my under eye, I'm going to apply blush. And if you're thinking that I will be doing my eyebrows, no, I will not be doing my eyebrows क्योंकि जो मेरे natural eyebrow का shape है वो ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे करने की ज़रूरत है. It's very optional. अगर आपकी thin eyebrows है, if you want to do it, you can do it. अगर आपको लगता है कि मुझे eyebrows करने की ज़रूरत नहीं है, then it's totally your choice. So, I'm going to apply blush and I'm going to use my lipstick as a blush and I'll tell you why I'm doing this. क्योंकि powder blush अगर आप लगाते हो तो वो आपको natural look नहीं देते हैं, और जैसे कि मैंने अपने video के starting में बोला था, हम बहुत ही natural look करने वाले हैं. So, I'm going to apply my lipstick as my blush and you can totally use your lipstick as a blush. अगर आपने मेरी IGTV reels देखी हैं, अगर आपने पुराने videos देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपनी lipstick as a blush use करती हूँ. And I'm going to use this shade. This is the Maybelline Creamy Matte Lipstick. This is in the shade Smitten and the shade looks like this. This is a pink blush जो आपको बहुत ही natural look देगा. I'm just going to apply this lipstick and blush like this. A little bit on my nose जिससे ये blush से connected दिखे. Now with the help of a beauty blender, I'm going to blend it. आप टिंट्स भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास टिंट है. मेरे पास टिंट नहीं है तो मैं यहाँ पे क्रीम ब्रश यूज कर रही हूँ. सो आप लिक्विड ब्लश यूज कर सकते हो, टिंट्स यूज कर सकते हो, लिक्विड लिपस्टिक एज अ ब्लश यूज कर सकते हो, और क्रीम ब्लश यूज कर सकते हो, या फिर अपनी लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज कर सकते हो, बिकॉज वो हमेशा आपको एक नेचुरल लुक देगी. So just have a look how beautiful this blush is looking. ये बहुत ही natural glow दे रहा है मेरे चेहरे को. ऐसा लग रहा है कि मेरे सच में इतने pinky pinky cheeks हैं, but ऐसा नहीं है. मैंने blush apply किया है and this makes you look so fresh और so healthy. आपकी skin इतनी healthy लग रही है. So आप इस तरीके से blush apply कर सकते हैं. Now moving on to the next step. If you're thinking कि मैं highlighter apply करूँगी, highlighter is a big No for me for college, क्योंकि highlighter आप कितना भी अच्छा लगा लो, liquid लगाओ, cream लगाओ, जो भी आपको highlighters लगाने हैं वो हमेशा दिखते हैं. And for college, highlighter should not be applied. So I will not recommend you guys to use highlighter. I'm going to apply mascara now because I'm talking a lot. I'm going to use this Maybelline Hyper Curl Easy Wash Mascara. So I will recommend each and every one watching this video go for the waterproof mascara because college में बहुत drama होता है. And you need a waterproof mascara. I'm telling you, you need a waterproof mascara. So just have a look. Look at this eye and this eye. No, ये आँख बहुत ऐसे खुली खुली दिख रही है और ये थोड़ी सी बंद बंद दिख रही है. So आप इसे mascara लगा के अपनी आँखों को ऐसे light दे सकते हैं. So I'm done applying mascara and if you're someone who loves applying liner and kajal, go for it. Kajal doesn't suits me और liner मैं लगा के जाती नहीं हूँ. So मैं नहीं लगाने वाली हूँ liner और kajal. Now I'm going to apply lipstick and I'm going to use this Nykaa Ultra Matte Lipstick. This is in the shade 12 Helena and this is a very pretty nude shade. This is how the shade looks like. I'm going to apply this shade to complete my whole look. So I'm done with the whole look. Now to lock this makeup, I'm going to use my setting spray. This is the Faces Canada Ultime Pro Makeup Fixer. I'm just going to spray it. Now with the help of a beauty blender, I'm just going to, you know, press my makeup into my skin. ये जिससे लॉक रहे हैं. So guys, this is the final look and as you can see how fresh my skin is looking, how simple this makeup was और ये कितना natural लग रहा है और बहुत ही you know elegant और sleek है. और मैंने वही hairstyle की है जो मैं कॉलेज करके जाती थी. It was very simple. I used to do middle partition. मैं क्लचर लगाती थी या मैं पोनी बनाती थी बस. And this is how my makeup looks. तो अगर आप चश्मा लगाते हैं तो भी ये लुक आपके ऊपर प्रॉपरली सूट होगा और आप बहुत ही सपड़ाकू दिखेंगे. So
guys, that was all about this video where I kept this makeup really simple and natural and it was very easy to do. Aap ye makeup kahin pe bhi karke ja sakte hain. If you are a office going person, if you go to college, if you're going for your interviews, and it totally depends on you ki aap kis type ka makeup prefer karte hain. Agar main college mein hoti to main aisa hi makeup karti, aur main agar office bhi jaun to main aisa hi makeup karu, agar main interviews ke liye bhi jaun to main aisa hi makeup karu. So this is what I will prefer. So if you like this video, don't forget to hit the like button, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो लाइक करेंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, यूट्यूब उसको ज़्यादा रिकमेंड करेगा. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज 70% ऑफ द पीपल हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन वट मोर वीडियो वुड यू वॉन्ट मी टू डू, हाउ यू लाइक दिस लुक, आप कैसा मेकअप लुक प्रिफर करते हैं अगर आप कॉलेज में होते या आप कॉलेज जाते हो तो आप क्या करते हो. आई विल लव टू नो. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन सी या, बाय.